कन्हैया कुमार तो केक है, तो आएंगे चम्मच लेकर के उसको खा लेंगे और हैप्पी बर्थडे मना लेंगे। बहुत आसान है ना। हमारे खिलाफ भगवा झंडा लेकर के हमको देशद्रोही देशद्रोही बोल करके अपना नाम विधायक जी के लिस्ट में शामिल करवा लेना, ये तो बहुत आसान है, और यही करके इनकी नेतागिरी चलती है। लेकिन अगर इतने ही तुम देशभक्त हो तब प्रोटेस्ट क्यों नहीं किए जब मंदसौर में किसान मारे गए थे? तब प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हो जब महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है? तब प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हो जब विद्यार्थियों को शिक्षा नहीं मिलती है? तुम्हारी आवाज क्यों नहीं खुलती है जब इस देश के अंदर लोगों की नौकरियां छीनी जा रही है? तब तुम कहां चले जाते हो जब इस देश के संविधान और लोकतंत्र पर हमला होता है? तुम ऐसा नहीं करोगे। कहते हैं चोर चोर मौसेरा भाई, जिसको जैसा होना है वो तो वैसा ही होगा। ऐसा होगा क्या कि बबूल के पेड़ से आम का फल निकल जाएगा? तो जो कायर हैं, जासूस हैं, देश को बेचने का काम करते हैं, उनके साथ दिन रात रह करके उनके जैसे होने की तमन्ना रखने वाला उससे उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन उनसे कुछ सवाल पूछना चाहिए। चलो हम लोग तो बेकार लोग हैं, लेकिन तुम तो भक्ति कर रहे हो ना मोदी मोदी, बता 15 लाख रुपया तुम्हारे खाते में आया क्या? आ गया? नहीं, आपके खाते में तो नहीं आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि उनके खाते में आ गया होगा। बेरोजगारी तो खत्म हो गई, अब इस देश में बेरोजगारी पे बात करने की जरूरत नहीं है। और महंगाई देखिए, इस देश में पहले ऐसी बराबरी कभी नहीं आई थी। टमाटर और सेब जो है बराबर के भाव से मिल रहा है, ये तो अच्छे दिन ही है ना, मजा आ रहा है अच्छे दिन में। ये सवाल इनसे पूछना चाहिए कि कितना तैयार हुआ है बुलेट ट्रेन, और राम मंदिर जो है कितने फ्लोर पे पहुंचा है कि बुलेट ट्रेन पे बैठ करके जाएंगे, राम जी को जल चढ़ा करके आएंगे। ये पूछना चाहिए, ये सवाल इनसे, ये सवाल पूछना जरूरी है। और यही सवाल पूछने का काम हम लोग करते हैं, और हमारे जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, ये कारवां बहुत बड़ा है। इसीलिए तो मैंने कहा, जब मैं आया था तो मुट्ठी भर लोग थे, अभी हॉल खचाखच भरा हुआ है। मैं अकेला नहीं हूं जो सवाल पूछ रहा हूं। जो समझते हैं, जो सोचते हैं, वो सवाल पूछते हैं, और जो सवाल पूछ रहे हैं वो बदनाम भी किए जा रहे हैं। कभी सीमी के कार्यकर्ता बोले जा रहे हैं, कभी नक्सली बोले जा रहे हैं, कभी पाकिस्तानी बोले जा रहे हैं। घबराइएगा नहीं इन बातों से, क्योंकि ये उनकी सोच है कि अपने ही देश के लोगों को पाकिस्तानी बोलते हैं। ये हमारी सोच नहीं है, हम तो पाकिस्तान के लोगों को भी इंसान बोलते हैं। ये इनकी समझ है कि इस देश के अंदर हिंसा फैला करके हम एक बेहतर देश का निर्माण कर सकते हैं। ये हमारी सोच नहीं है। कबीरा खराब बाजार में सबकी मांगे खैर, ना केहू से दोस्ती ना केहू से पैर। हमको नफरत नहीं है इनसे, बस इनकी सोच पे ताज्जुब होता है। और मैं इनके खिलाफ नहीं लड़ रहा हूं, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, मैं अपने समुदाय, अपने समाज, अपने लोगों के लिए लड़ रहा हूं। मेरे पास किसी के लिए एंटी कोई एजेंडा नहीं है, मेरे पास अपने लोगों को हक दिलाने का एक कमिटमेंट है, और उसी कमिटमेंट पे चलने वाला जो हमारा संगठन है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, आप देखिए स्वतंत्रता आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी ही ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर थे, 1936 में बना और तब भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। और आज भी जब लोगों को डराया जा रहा है, घर से निकलने से मना किया जा रहा है, मोहन भागवत साहब ने कहा कि महिलाओं को 12 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि इनके बच्चे घूम रहे होते हैं उससे। एक नोटिस जारी किया गया है कि सारी महिलाएं अपने घरों में बंद हो जाए क्योंकि अब नेताजी के बच्चे शिकार पे निकलेंगे। इनसे हम लड़े हैं, इनके पुरखों से लड़े हैं, वो भी फूट डालो राज करो करते थे, ये भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जाटव नॉन जाटव,
यादव नॉन यादव, सिया सुन्नी, ईबीसी ओबीसी, दलित अति दलित, हिंदू मुसलमान, अपर कास्ट लोअर कास्ट, इंसान का नाम इसमें कहीं है ही नहीं। इंसान इस सब में कहीं नहीं है। ये बंटवारे का काम ये सीख करके आए हैं अंग्रेजों से। और इन्होंने कहा था, आज 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है इसलिए बोल रहा हूं, इन्होंने चिट्ठी लिख करके कहा अंग्रेजों को कि मत जाइए, अभी हम सत्ता पे काबिज होने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, अभी आप चले जाएंगे तो नेहरू आ जाएगा। और नेहरू के बारे में, ओ भाई साहब, नेहरू जी के बारे में क्या क्या कहा गया है, ऐसा लगता है कि उनके पास एडवीना के साथ रोमांस करने के अलावा और कोई काम ही नहीं था। अलग अलग तरह की कहानियां। और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि वो जो टोपी है उस टोपी को बदलना चाहिए। हर बार जो है वो गांधी टोपी के नाम पे नेहरू टोपी का इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए देखिए कि गांधी के हत्या को सही मानने वाले गांधी के पोते को चुनाव हरा देते हैं। इस बात को समझना होगा आपको। अब ये क्या कह रहे हैं कि एक महापुरुष को दूसरे महापुरुष के खिलाफ लड़ा रहे हैं और कह रहे हैं पटेल पटेल पटेल, और स्वदेशी के इतने बड़े समर्थक हैं कि पटेल साहब की मूर्ति बनाने का ठेका जो है वो चीनी कंपनियों को दे दिया है, और उस पर खर्चा ज्यादा खर्च नहीं हो रहा है, बहुत कम खर्च है, मात्र 33,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, बहुत बहुत कम है, थोड़ा सा थोड़ा कुछ होता है क्या, इतना बड़ा देश है हमारा, मूर्ति बनाने पे इतना रुपया तो खर्च किया ही जा सकता है, भले विद्यार्थियों को फेलोशिप नहीं दिया जाए, भले किसानों का कर्जा माफ नहीं हो, भले महिलाओं के लिए कोई अलग से बस नहीं चलाया जाए, भले वो जब बस में चढ़े तो उनके साथ छेड़छाड़ हो, लेकिन मूर्ति बनना तो जरूरी है, इसीलिए कोई बात नहीं है, तो मूर्ति बन रहा है। और यह कहा जा रहा है कि देश को एकजुट जो है वो पटेल जी किए और नेहरू जी तोड़ रहे थे। बहुत बढ़िया बात, मतलब हम ये मान लें कि राजनाथ सिंह काम कर रहे हैं और मोदी जी विदेश घूम रहे हैं, ये मान लें क्या, किसकी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, केंद्र की सरकार है, तो क्या राजनाथ सिंह कोई काम बिना मोदी जी के पूछे करते हैं क्या? इसका मतलब यह है कि हमारी गिरफ्तारी मोदी जी के पूछे बिना हो गई, राजनाथ जी के ऑर्डर से हुआ है। समझने की चीज है इसको, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, सोचिए आप कि पटेल जब देश जोड़ रहे थे तो क्या प्रधानमंत्री की अनुमति के बिना जोड़ रहे थे, पीएमओ के आदेश के बिना जोड़ रहे थे, प्रधानमंत्री को इत्तला किए बिना जोड़ रहे थे, हैदराबाद में जब भारतीय सेना जा रही थी निजाम के खिलाफ तो क्या इसकी जानकारी नेहरू जी को नहीं थी, और जब हरि सिंह के साथ समझौता कश्मीर में हो रहा था तो नेहरू जी ने नहीं कहा था? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि राजनाथ सिंह काम कर रहे हैं और मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा होता है क्या? अब ये नंगा हो चुके हैं, आपको मालूम है ये नंगा इसलिए हो चुके हैं कि ये पहले कहते थे और लोग मानते थे, अब तो जानम तुम भी वहीं बैठे हो जहां बैठने के लिए तुम तरस रहे थे इतने साल से, कसम खुदा की तुम तो वहीं हो अब, और वहां जब बैठे हो, ये तकिया कलाम है हमारा, माफ कीजिएगा अगर बुरा लगे तो, तो अब वहां बैठे हो तो अब तो सच सामने आ रहा है। और बड़ा अच्छा सवाल मेरा एक दोस्त हमको भेजा, बोला कि देश को अगर कांग्रेस ने 65 सालों में लूट लिया तो मोदी जी देशवासियों के, लूटे हुए देशवासियों पे इतना टैक्स क्यों लाद रहे हैं? देश को जब लूट लिया भाई, देश के पास कुछ है ही नहीं, तो देशवासियों पे कर क्यों लाद रहे हो? देश में तो कुछ हुआ ही नहीं, चांद पे तो हम लोग गए नहीं क्योंकि उस वक्त मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, अब जो भी होगा तभी होगा ना जब मोदी जी आ गए हैं। मोदी जी ने कहा कि हम 14 साल 100 साल से गुलाम थे, तो जब हम गुलाम थे तो हमने कुछ किया ही नहीं, इस देश में हमने कुछ नहीं किया, हमने मिसाइल नहीं बनाया, हम जो है चांद पे नहीं गए, हम मंगल पे नहीं गए, हमने स्कूलें नहीं बनाई, हमने अस्पताल नहीं बनाया, हमने IIT नहीं खोले, हमने विश्वविद्यालय नहीं खोले, हमारे पास साहित्यकार नहीं है, सिनेमा नहीं है, हमने नोबेल नहीं जीता, हमने ओलंपिक नहीं जीता, हमने कुछ नहीं किया। मोदी जी आप इतिहास में फेल कर गए तो मतलब इस देश को इतिहास ही नहीं मालूम है।
इस देश को इतिहास मालूम है और हमें अपना इतिहास मालूम है और हम अपने इतिहास को बहुत बखूबी पढ़ते हैं, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि जोड़ी जो पीढ़ी अपना इतिहास नहीं जानती वो इतिहास नहीं बनाती है। इसीलिए आज क्या हो रहा है हम ये भी जानते हैं, कल क्या हुआ था हम ये भी जानते हैं, और कल आप क्या करने वाले हम ये भी समझते हैं। लेकिन ध्यान रख लीजिए, हमने ये ऐलान कर लिया है, बाहर निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, आपकी बेईमानी नहीं होने वाली, हम ये करने नहीं देंगे आपकी। आपको जो करना है कर लीजिए, आप विधायक खरीद लीजिए, आप जो है अपना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सब कुछ बना लीजिए, आप सब चुनाव जीत जाइए, लेकिन याद रखिएगा कि डर की राजनीति पे मोहब्बत हमेशा हावी होती है। आप चुनाव जीतिए, हम प्रेम से लोगों का दिल जीत लेंगे, फिर देखते हैं कि जीत किसकी होती है। इसीलिए आप नफरत के गीत गाइए, हम मोहब्बत के गीत गाएंगे। और आप एक नाटक कर रहे हैं लाल किला से, इस बार कहा है कि छोटा करेंगे, इस बार कहा गया कि छोटा होगा नाटक, तो वो जो नाटक चल रहा है उस नाटक को हम समझ रहे हैं और हम भी नाटक करते हैं। आपके उस नाटक का सच सामने लाने के लिए और एक खूबसूरत नाटक अभी आपके सामने प्रस्तुत किया गया था, उसमें एक सवाल दिखाया गया कि मुसलमान को डराया जा रहा है, सच है, लेकिन एक बात आपको कह देना चाहते हैं कि इस देश का मुसलमान नहीं डरेगा, क्योंकि उसके पास और भी मसले हैं जिससे वो दिन रात जूझता है, इसीलिए डरने के लिए उसके पास एनर्जी ही नहीं बचती है। वो इस देश का मेहनत का आवाम है, कारीगरी करता है, खेतों में मेहनत करता है, कारखाने चलाता है, इस देश का मजदूर है, इसीलिए उसको आप इस देश की जनता से बहुत आसानी से काट नहीं पाएंगे, आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी इनकी पार्टी शुरू ही हुई है ना, पहली बार फुल फ्लेज जीत करके आए हैं, 3 साल ही तो सरकार चलाए हैं, और 3 साल के भीतर मैं दावे के साथ कह रहा हूं मौजूदा प्रधानमंत्री का जितना मजाक बना है इतिहास में किसी प्रधानमंत्री का नहीं बना, इतिहास में किसी का नहीं बना होगा। और कब से कोशिश कर रहे हैं तमाम महान लोगों को बदनाम करने का, तमाम लोगों को, कम्युनिस्टों को कौमी बोलते हैं, आम आदमी पार्टी को आपिए बोलते हैं, कांग्रेस को कांग्रेसी बोलते हैं, नेहरू को तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मतलब मुझे तो लगता है कि ज्यादातर इस देश के जो नेता हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पिताजी नेहरू जी ही थे। आपके पास ये व्हाट्सएप मैसेज आता होगा, मेरे लिए बहुत अद्भुत है ये, कैसा कैसे हो सकता है। खैर होता होगा, क्योंकि संघ परिवार जब बिना विवाह का इतना बड़ा परिवार बना लिया है, ये हुनर शायद उनको मालूम होगा, हम लोगों को नहीं मालूम है, तो ये हमेशा बदनाम करते रहते हैं लोगों को। बदनाम क्यों करते हैं? ताकि लोग इनके ऊपर सवाल नहीं खड़ा करें। कई बार तो ऐसा होता है कि मोदी जी भूल जाते हैं कि वो अब अपोजिशन के नेता नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और जाकर के कहते हैं कि इस देश में बिजली नहीं आई, इस देश में जो है अमुक काम नहीं हुआ, इस देश में फलाना नहीं हुआ, और चुनाव प्रचार में जाकर के याद ही नहीं रहता है कि उनको प्रधानमंत्री है। एकदम जो है नियमित सुबह सुबह उठ करके शाखा जाने वाला जो घोड़े का चश्मा लगाया संघ का कार्यकर्ता होता है उसकी तरह मंच पकड़ते हैं और धोने लगते हैं। कोई रुक करके उनको धीरे से कहे कि भाई साहब 3 साल हो गया, आप क्या क्या किए जरा बता दीजिए, कितना घर बनाए, 33% रिजर्वेशन जो है पार्लियामेंट में हो गया, किसान आत्महत्या रुक गई, गंगा पूरी तरह से साफ हो गई है, आप वहां जाएंगे और अपने चेहरे के ऊपर जो अंदर से जो खून चलता है ना वो भी आपको दिखाई दे देगा, इतनी गंगा साफ हो गई है। सारा वादा इन्होंने पूरा कर दिया है, और कुछ नया प्रोजेक्ट है इनका 2022 के लिए। एक तो इनकी गिनती खराब है, चुनाव 2019 में होने वाला है और सारा प्रोग्राम इनका 2022 तक का है, तो ये कार्यक्रम जो है हुए हैं, और उस कार्यक्रम की असलियत क्या है वो मैं आपसे थोड़ा कह देता हूं।
और ये मैं मोदी जी के भाषणों के द्वारा ही प्राप्त ज्ञान के आधार पर बोल रहा हूं। मोदी जी ने हाथ हिला के कहा कि 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। इनका सरकारी डिपार्टमेंट कहता है कि 1,35,000 रोजगार पैदा हुआ और डिमोनेटाइजेशन के बाद 15 लाख नौकरियां चली गई। दूसरा, महंगाई कम करेंगे। महंगाई के बारे में क्या कहना, जब भी आप जाते हैं पेट्रोल पंप पे आपको अच्छा दिन दिख जाता होगा मीटर में, प्रति लीटर अच्छा दिन आपको दिखता होगा। और घर घर बिजली पहुंच गई, और उस घर घर बिजली पहुंचने का नतीजा यह हुआ कि इस देश के 37% स्कूलों में बिजली नहीं है, क्योंकि घर में बिजली पहुंचा रहे थे तो स्कूल छूट गया था। और इनका वादा यह था कि किसान पे तो अत्याचार होगा ही नहीं, और उसका नतीजा क्या हुआ है कि 1 साल में 12,000 किसान औसतन आत्महत्या करते हैं, और जो कंपनी को इन्होंने अपने ही नाम पे, आहा, एक तो इनको अपने नाम से कितना प्रेम है। हो सकता है कि कल को सरकार की तरफ से ये घोषणा आए, जैसे आया है ना कि मरने के बाद भी आपको आधार बनाना पड़ेगा। कहां से बुद्धि आती है कि कोई इंसान मर जाएगा तो आधार कैसे बनवाएगा। ज्ञान की बात देखिए कितने ज्ञानी है। चलिए ज्ञान है, अब आधार कार्ड जैसे जरूरी है, कल को यह भी हो सकता है कि आपको अपने बेटे का नाम मोदी रखना पड़े। इनको अपने नाम से इतना प्रेम है, ये जो खाते हैं, ये जो पहनते हैं, ठीक है। इसीलिए तो योगी जी के नाई का इंटरव्यू किया टीवी वाले ने, पता है क्यों? क्योंकि